ने कल ही बता दिया था। उस बैठक के बाद आज के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पर सारे जिलों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और सब जगह की स्थिति की जानकारी लेंगे और उन लोगों के द्वारा अपने अपने इलाकों में क्या अनुभव है और क्या और किया जाना चाहिए ये भी, और यहाँ से भी एक गाइडलाइन। ये सारी बात हुई है, काफ़ी समय लगा है, 4 घंटा से भी ज़्यादा, और उसके बाद आप जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कल भी हुई, जो कल लोगों की राय आई और बाकी जगहों से बातचीत किया, और आज जब सभी जिलों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक की, बातचीत किया, और पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा हुई और उसके बाद भी पूरी चर्चा हुई, तो अंतोगत्वा कुछ निर्णय लिए गए। आप सब जानते हैं कि पहले से भी हम लोगों ने कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इसका, इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का उपाय किया जाए और लोगों को सचेत किया जाए, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे, और अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अब आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए पॉजिटिव केस मिले, यानी धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है। जो पहले पिछले वर्ष में जितना हुआ था उससे ज्यादा तो हम लोग कल ही पहुंच गए, अब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी सतर्कता के साथ और जो कुछ भी करना है इसमें लोगों के हित में, वो सब पहले से भी कुछ किया जा रहा है, और जो नए अनुभव और सब लोगों की जो राय आई है उसके बाद जो पूरा विमर्श किया गया है उसके बाद ये सब कुछ काफी कुछ निर्णय लिया गया है। जितना फीडबैक है सब चीज के आधार पर सब कुछ किया गया है। और एक चीज जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है उसके बाद जो भी जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाएगी, इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। ये एक जो बीच में खबर आई कि आरटीपीसीआर की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन इस तरह से कई दिनों के बाद जाता है, कहीं कहीं खबर मिली कि भाई 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आई है, तो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया। इस बीच में जो कुछ भी रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल ससमय इसको प्राप्त किया जाए जल्दी से जल्दी और इसकी पूरी की पूरी जानकारी लोगों को दे दी जाए ताकि ससमय इलाज शुरू हो जाए। अगर कोई पॉजिटिव है उसके बाद में अगर कुछ दिन के बाद मालूम होगा तो बहुत तरह का संकट उत्पन्न होने का खतरा रहता है, इसलिए इसके बारे में बहुत ही ठोस निर्णय लिया गया है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाएगा और जितने प्रकार के इनके इलाज के लिए इंतजाम है, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, तो यहाँ पर भी पर्याप्त बेड, और इसमें हर तरह से जो बीच में समस्या आई ऑक्सीजन की, तो हर तरह से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना इसके बारे में सब कुछ हुआ। इसके लिए जो कुछ भी और किस तरह से करना है और क्या क्या इसके लिए प्रबंध करना है उन सब चीज़ों पर आज विस्तृत चर्चा हुई है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जहाँ भी होना है वहाँ पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा, ये भी बात हो गई है। और जो अन्य प्रकार की दवाएं चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य प्रकार के हो, जितने तरह का है, इस सब चीज़ों के लिए उसका इंतजाम करते हुए सब का प्रबंध किया जाए। तो एक तो ये सब चीज़ है।
और इस सब के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सब बना दिया गया है ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और तेजी से सब काम हो। और उसी प्रकार से जो होम आइसोलेशन में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी उनके बारे में खबर लेना, उनका देखना, जांच करना, हर प्रकार से उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत नहीं हो और जल्दी से जल्दी उनके लिए उपलब्ध किया जाए। और कहीं भी एम्बुलेंस की जरूरत होगा तो जितना भी एम्बुलेंस की उपलब्ध है, इसके अलावा जितने एम्बुलेंस की आवश्यकता, सब का प्रबंध कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो एक एक करके इस तरह से होम आइसोलेशन के लिए भी सब तरह का काम किया जाएगा। और जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए। और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयां बढ़ेंगी। हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाए, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए और उनको आगे जो कुछ भी काम करना है उसके लिए उनको सहयोग करना, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की है। और उसके अलावा आप लोगों को बताया गया था, हमने बताया था एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कि भाई जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बाहर से भी लोग तो आएंगे जिनको रहने की भी कोई व्यवस्था करनी हो, तो क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी था कि अनुमंडल स्तर पर हम लोग ठीक ढंग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए रखेंगे कि कोई होम आइसोलेशन में नहीं रहे, क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़े उनको, तो उसके लिए भी पूरा का पूरा प्रबंध करने के लिए भी आज पूरे तौर पर निर्णय लिया गया है। और हर तरह का सब लोगों से विचार विमर्श लेकर के सब तरह की बात की गई और हर तरह से जो हमने बता दिया कि बाहर से भी लोग आएंगे उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की भी पूरी बात की जाएगी। और लोगों के बीच में पूरे तौर पर आखिरकार प्रचार प्रसार करके लोगों को हर तरह से और माइकिंग का बड़े पैमाने पर प्रबंध करते हुए हर जगह प्रचार करना लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि गंभीर समस्या पुनः उत्पन्न हो गई, लेकिन अभी भी सब लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो एक काम जो हम लोगों ने किया वो भी बता दें कि साहब, हम लोग पंचायती राज विभाग के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे। और पिछले साल हर परिवार को जितना मास्क उपलब्ध करा रहे थे उससे भी ज्यादा हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे ताकि वो करें। और दूसरी चीज है कि एक एक चीज का प्रचार कि भाई एक दूसरे से दूरी रखिए, मास्क पहनिए, अकारण बाहर मत जाइए, तो इन सब चीजों के बारे में हाथ को साफ रखिए, तो इन सब चीजों के बारे में भी पूरा का पूरा इसका इसको प्रचारित किया जाएगा माइकिंग के जरिए और पूरे तौर पर सब तरह से ये काम जो किया जाएगा। और एक निर्णय और हो गया है कि हमारे जितने जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी, तो हम लोगों ने पिछली बार ये फैसला किया था कि एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, इस बार भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है कि उनको एक माह का अतिरिक्त वेतन हम लोग देंगे। अभी फिलहाल तो कुछ ये बात की है, लेकिन और इसके अलावा एक एक चीज पर निरंतर नजर, और आज जितनी बातचीत हो गई है बता दिया गया है कि कहीं भी कहीं कोई समस्या हो तो प्रतिदिन लोग इन चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे और जो भी सुविधा की जरूरत होगी एक एक चीज को देखेंगे। और